हेलो गाइस, माय नेम इज कुणाल सिंह और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक और नई वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि आप सब देख ही सकते हो, मेरे पीछे आज महिंद्रा TUV 300 खड़ी है। तो मैं आज आपको इस गाड़ी के थोड़े बहुत फीचर्स वगैरह बताऊँगा और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस कैसी वो बताऊँगा और इसकी ऑफ रोडिंग करके बताऊँगा कि अगर आप इसको ऑफ रोड पर लेके जा रहे हो या थोड़ा रास्ता कच्चा है तो कैसी परफॉर्म करेगी ये गाड़ी। और क्या 2023 में ये गाड़ी लेना बर्थ है जिसका बजट लो है, स्कॉर्पियो जो नहीं ले सकता उसके लिए कैसी परफॉर्म करती है ये गाड़ी। तो गाइस कैसी लगी आपको गाड़ी की लुक्स और कैसी लगी मतलब आपको गाड़ी की परफॉर्मेंस वाइज? इंजन वाइज भी ये गाड़ी बढ़िया है, मेरे को तो काफ़ी अच्छी लगी चलाने में। और जैसे कि आपने अभी देखा होगा एक दो शॉर्ट्स मैंने, मेरे को तो परफॉर्मेंस वाइज बड़ी अच्छी लगी। ब्रांड है ये महिंद्रा, तो आगे इसके साथ देखते हैं और क्या क्या हम कर सकते हैं आगे। तो गाइस जैसे कि मैं आपको बता रहा था, हम अब आ चुके हैं ऑफ रोड ट्रैक पे। तो अब हम कर रहे हैं थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग इसके साथ। एक तो ये रोड काफ़ी मतलब लगा लो अब रास्ता बड़ा उबड़ खाबड़ सा है, तो देखो कैसी परफॉर्म कर रही है इस गाड़ी। मेरे को तो चलाने में मतलब काफ़ी सही लग रही है ये गाड़ी। मतलब आप लगा लो कि इस टाइम पे ये गाड़ी लगा लो 11:30-12 के करीब आ रही है, तो मतलब उस प्राइस पॉइंट पे ये गाड़ी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर देती है। देख लो आप ऑफ रोड पे ट्रैक पे, मतलब ऐसे आपको दिक्कत नहीं होती इस गाड़ी के लिए। जैसे स्कॉर्पियो वगैरह लेते हैं के लोग, स्कॉर्पियो भी अपनी सेगमेंट में सबसे सही गाड़ी है वो, बट इस सेगमेंट में लगा लो, इस प्राइस पॉइंट में लगा लो, ये गाड़ी मेरे को तो बड़ी बढ़िया लगी है। तो जैसे कि हमारे डोगराम जी हैं, ये भी गाड़ी प्लान कर रहे हैं लेने का, तो ये कन्फ्यूज हैं स्कॉर्पियो एन में और स्कॉर्पियो क्लासिक में और इस गाड़ी में। तो गाइस जैसे मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, ये व्यू देखो, इधर व्यू बड़ा अच्छा है इधर का। तो साथ में आज हम अपनी कैंडी इन्जॉय करने वाले, जो अमन जी ने हमारे लिए ली थी। तो अब हम आपको इसके साथ एक्सपीरियंस बताएंगे, ऑफ रोडिंग का कैसा एक्सपीरियंस है इस गाड़ी को लेके। तो चल तो गाइस चलिए देखते हैं फिर आगे क्या होता है इस गाड़ी को लेके। अमन जी भी बड़े एक्साइटेड हो चुके हैं इसके लिए। चलो फिर गाइस चलते हैं फिर। हमको तो यार मेरे को तो बड़ा अच्छा लग रहा है, जैसे दिखाई प्लीज आगे। ओ ओ भाई साहब यार, मेरे को लग रहा है आगे बॉर्डर क्रॉसिंग आ गई, ये निकलेगी भाई यहाँ से यार, निकल जाएगी ये महिंद्रा है मेरे भाई। इतनी सी ऑफरोडिंग क्या होगी, गड्ढा देख वहां पे कितना ज्यादा पानी में कितना हो सकता है। तो कहां जा रहे हो, बैठो आप, मैंने पे बैठ निकल के दूंगा इसको। चलो रेडी हो? रेडी। चलो गाइस पावर क्यों नहीं लगा रही गाइस, चेक करें प्लीज दिखाएं। ये इको वाला बटन ऑन था यार, इसकी पावर जो है इको में कम हो जाती है। तो अभी अभी प्लीज अभी ट्राई करेंगे। नहीं इससे होता क्या वैसे, जो बटन ये वाला जो इको वाला बटन है इससे क्या होता है कि ये एवरेज निकालने के लिए होता है। मतलब लगा लो ऐसे आपका TU मतलब नेक्सॉन वगैरह में भी आता है ये फीचर, इससे क्या होता है कि गाड़ी आपकी वो इकोनॉमी में चलेगी और एवरेज ज्यादा देगी। उसकी वजह से क्या होता है कि पावर कम उठा रहा है, तभी मैं बोल रहा हूँ कि गाड़ी में ऐसे पावर लैग मतलब ऐसे लैग लैग क्यों फील हो रहा है, इसकी वजह से फील हो रहा था। अभी देखना अभी आप ये गाड़ी आराम से निकल जाएगी बाहर, निकालो फिर। चलो दिखाते हैं फिर आपको। अभी देखो अभी मैंने इसको इको वाले को बंद कर दिया, अब देखो कैसे आराम से निकलेगी यार।
यार बड़ी गाड़ी का फायदा तो है गाइस। देखो गाड़ी आ रही है ना, मेरे को तो काफी बढ़िया लगा यार वो। हाँ और क्या, महिंद्रा का महिंद्रा जानी जाती है अपने इंजन के लिए, पावर के लिए। मेरे को प्लीज कमेंट करके बताएंगे आपको कैसी लगी ये वाटर क्रॉसिंग। यार मेरे को तो काफी अच्छी मतलब कैपेबल गाड़ी लग रही है यार ये, जैसे कि आप आराम से इसको ऑफ रोड। मेरी हाइट लगा लो 6 फीट के करीब है और मैं मेरा हेडरूम देखो और गाइस ऊंची बहुत ऊपर से हमने सीट बेल्ट नहीं लगाई है, प्लीज इसको अवॉइड करें क्योंकि हम एक ऑफ रोड ट्रैक पे, छोटा सा ऑफ रोडिंग है ये, अदरवाइज हम ऐसे रोड वगैरह पे चलते हैं तो हम हमेशा सीट बेल्ट लगा के चलते हैं गाइस, प्लीज इस चीज को अवॉइड करें। तो गाइस इस गाड़ी में आपको एम हॉक इंजन मिल जाता है, एम हॉक 80 जो आपने स्कॉर्पियो वगैरह में भी देखा होगा, इनका ये वाला इंजन काफी पावरफुल है और ये गाड़ी 1500 cc इंजन के साथ आती है, 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आती है गाड़ी। और इसका गाइस मैं आपको इंजन भी दिखा देता हूँ, काफ़ी मतलब हैवी मिल जाता है आपको इसका बोनेट, तो इसके बोनेट में आपको हाइड्रोलिक्स नहीं मिलते हैं जैसे कि आपको स्कॉर्पियो वगैरह में मिलते हैं, इस गाड़ी में आपको नहीं मिलते। इस गाड़ी का 1500 cc का इंजन है और मेरे को तो काफ़ी बढ़िया इंजन लगा इसका। एक तो इसकी बिल्ड क्वालिटी देखो गाइस, ये बोनेट इसका काफ़ी हैवी है, ये देखो आराम से ये दबने वाली, मतलब महिंद्रा में वो चीज़ नहीं, ऐसे आप मूर्ति वगैरह में देखते हो कि बिल्ड क्वालिटी का इशू आता है, इस गाड़ी में कोई इशू नहीं है उसका। मेरे को तो काफ़ी अच्छी गाड़ी लगी है। तो बाकी अब हम डोगरामन जी से पूछेंगे उनका क्या एक्सपीरियंस है, मतलब उनको कैसी लगी ये गाड़ी, वो सोच रहे हैं परचेज करने के लिए। 2023 में ये गाड़ी आती है बलेरो नियो के नाम से। तो गाड़ी तो अच्छी है ठीक है, और गाड़ी में मतलब मुझे थोड़ी अजीब सी बात ही लगी, गाड़ी कॉम्पैक्ट है, डब्बा होता है ऐसी फील दे रही है। हाँ थोड़ी सी डिज़ाइन वाइज थोड़ा ऐसा है बट गाड़ी ना गाड़ी लेकिन काफ़ी कैमरे में थोड़ी छोटी लगती है, मैंने यूट्यूब में वीडियो देखी इसकी काफ़ी छोटी लगी, जब मैंने इसको अपनी आंखों से देखा था जी तो मेरे को लग रहा नहीं गाड़ी थोड़ी हैवी है, मस्कुलर है, मतलब कि आगे बराबर साइज में भी अच्छी खासी बड़ी है, साइज में तो लगा लगा आराम से, मैं मेरी हाइट 6 फीट के करीब है और मैं सीटिंग मतलब ड्राइविंग सीट पर आराम से बैठ सकता हूँ, मेरा हेडरूम काफ़ी बहुत काफ़ी ऊँचा है, लेग रूम भी बड़ा अच्छा है काफ़ी अच्छा, प्लीज़ आप इतना मेरे वाले साइड मैं आपको इसका हैंड रूम और लेग रूम दिखाना चाहता मैं भी गाड़ी लगा लो। हाँ आप आ जाओ देखो, ये गाड़ी मेरी हाइट 6 फीट के करीब है और ये सीट मतलब मेरे हिसाब से फिट है। अभी देखो मैं आपको ये देखिए, ये इसका लेग रूम, ये मैं पीछे कर लूँगा इसको तो और बढ़ जाएगा, मतलब ऐसा नहीं होता कि नीव आपका जो है मतलब वो टच होगी इसके साथ मेरी। और हैंड रूम देखो अमन जी का हैंड रूम मेरी 5 फुट 8 इंच है, तो मतलब आपको काफ़ी मतलब सही एक्सपीरियंस लगा इस गाड़ी के साथ। तो डोगरामन जी आपको इस गाड़ी में सीटिंग कैसी लगी? सीटिंग बिल्कुल ओके है, कोई मस्त सीटिंग है ना, बस एक चीज मेरे को अच्छी लगी इसमें कि इसमें हाइट एडजस्टमेंट का कोई वो नहीं होगा, मतलब हाइट ये उस हिसाब से ये है बेस मॉडल उस टाइम का, उसमें बेस मॉडल के हिसाब से उस टाइम पे इसको चारों पावर विंडोज आ जाती हैं, हाइड्रोलिक स्टेयरिंग मिल जाता है आपको और लाइटों का ऑप्शन मिल जाता है और आपको AC मिल जाता है क्योंकि ये उस हिसाब का बेस मॉडल है उस टाइम का। अगर आप इस गाड़ी का टॉप मॉडल लेने जाओगे उसमें बड़े ज्यादा फीचर ऐड हुए हैं अभी तक। मेरे को क्वेश्चन पूछा था कि उसमें हाइट एडजस्टमेंट होगी, अगर उसमें मिल जाएगा आपको न्यू लूंगा तो मैं, हाँ जी उसमें हो जाएगी होगी ना टॉप, हाँ जी ठीक है टॉप वाले में क्या कि फीचर थोड़े एक्स्ट्रा आ जाते हैं, एक्स्ट्रा आते हैं हाँ जी, मतलब आपको रिक्वायरमेंट होती है अपने हिसाब से किस हिसाब से मतलब आप फीचर्स ऐड कर लेंगे। फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल, ये बादल की चादर ये तारों के आंचल में छुप जाऊं। तो जैसे कि गाइस आप देख रहे हो इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस काफी अच्छी है, प्लीज आप ये वाली साइड से आके दिखाएं, ये गाड़ी अब ऐसे लगी हुई है तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस आई थिंक 200 mm के करीब है और मेरे को नहीं लगता कि ये गाड़ी कहीं भी नीचे टच होगी। आपने हमारा ऑफ रोड ट्रैक देखा कैसा था वो, मतलब मेरे को तो ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में काफ़ी अच्छी लगी ये गाड़ी। इस गाड़ी की पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, अब मैंने आपको पॉजिटिव तो इसके बता दिए सारे, इसके नेगेटिव बताऊंगा। इस गाड़ी के जो ओनर हैं उन्होंने मेरे को बताया था कि इस गाड़ी का मतलब ये कॉमन प्रॉब्लम थी TUV में,
जैसे कि आप लगा लो कि इस गाड़ी की 30,000 किलोमीटर पे जो क्लच का पंप होता है ना, वो इस गाड़ी का बैठ गया था, उसका काम हुआ था बस 30,000 किलोमीटर पे। एक वो काम करवाया उन्होंने अभी तक इस गाड़ी को, और दूसरा काम करवाया इस गाड़ी में अभी तक 50,000 किलोमीटर पे इसके टायर चेंज। तो गाइस ये गाड़ी उन्होंने मतलब परचेज करी थी 2017 में, वो इस गाड़ी को 1,00,000 किलोमीटर चला चुके हैं। 1,00,000 किलोमीटर चलाने के बाद इस गाड़ी का एक्सपीरियंस उनके साथ बड़ा अच्छा रहा है। इस गाड़ी ने उनको कभी भी धोखा नहीं दिया हुआ है ऐसी वैसी जगह पे। तो मतलब वो हो रहा है कि मेरा महिंद्रा के साथ काफ़ी अच्छा एक बॉन्ड रहा है, इसकी सर्विसिंग वगैरह भी उनको काफ़ी अच्छी रहती है। और इसकी सर्विस कॉस्ट कितनी आ जाती है, आप सभी का ये क्वेश्चन रहता है कि इसकी सर्विस कॉस्ट कितनी आ जाती है, ये एवरेज कितनी दे देती है। भैया बोल रहे थे कि हाईवे पे अगर आप आराम से चलाओगे तो 15-16 के करीब ये एवरेज दे देगी। और अगर आप गाड़ी खींचने के फैन हो, मतलब थोड़ा सा ऐसे होता है ना कि गाड़ी वगैरह खींचने भगाने वगैरह ज़्यादा मतलब वो रखते हैं, तो वैसे ये गाड़ी देगी आपको 13 की एवरेज। और इसकी सर्विस कॉस्ट आ जाती है 6,000-7,000 के करीब। इस गाड़ी में मिल जाती हैं फॉग लाइट्स ये वाली, और इसमें हैलोजन बल्ब मिल जाते हैं आपको दोनों ऊपर नीचे दोनों। और इस गाड़ी के मिरर जो हैं साइड वाले वो काफ़ी बड़े हैं, मतलब काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी है इस गाड़ी का। आप अगर गाड़ी ड्राइव भी कर रहे हो ना तो आपको बड़ी सही विजिबिलिटी मिलेगी, इस गाड़ी में काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी मिलेगी आपको। तो मतलब आपको लगा लो कि आपका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा वो बढ़िया रहेगा इस गाड़ी को लेकर। अगर आप इस गाड़ी को लेकर थोड़ा रफ एंड रफ चलाना चाहते हो, या थोड़े आपके काम वगैरह डाला हुआ आपने, थोड़ा आपको साइड वगैरह पे जाना पड़ता है, तो ये गाड़ी आराम से आपकी नीड पूरी कर देगी। तो अभी मैं आपको इसकी बूट स्पेस दिखाऊंगा। इसके पीछे भी दो सीटें आती हैं, ये 7-सीटर गाड़ी है। 7-सीटर के हिसाब से इस गाड़ी में थोड़ी सी स्पेस मेरे को पीछे कम लगी, थोड़ी सी स्पेस कम लगी। जैसे मेरी हाइट 6 फीट के करीब है, तो लगा लो आप 6 फीट के हिसाब से मेरा जैसा इधर एक ही बंदा बैठ सकता है। इस सीट पे आ जाएंगे छोटे बच्चे हो गए, ऐसे 5 फीट 5.5 फीट के करीब के बच्चे आराम से इस गाड़ी में आ सकते हैं पीछे वाली सीट पे। बीच वाली सीट काफ़ी खुली है, और मतलब आराम से आप 3 बंदे आराम से बैठ सकते हो उस गाड़ी में। ये अगर आप बोलोगे कि प्रॉपर सेवन सीटर नहीं होगी ये, लगा लो आप 6 फीट के करीब के बंदे इसमें 5 आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे जिनकी हाइट छोटी है, जो छोटे बच्चे हैं वो पीछे आ सकते हैं आराम से। एसी इसका काफ़ी इफेक्टिव है, एसी बहुत बढ़िया लगा मेरे को इसका। तो गाइस जैसे मैं आप देख सकते हो मैं पीछे बैठा था, मतलब पीछे भी स्पेस काफ़ी अच्छी है इसकी। तो मैं अब इस गाड़ी के आपको नेगेटिव पॉइंट्स बताने वाला हूँ, मेरे को अभी तक इस गाड़ी में नेगेटिव क्या क्या लगे। मेरे को इस गाड़ी में ज़्यादा नेगेटिव लगा, एक तो इसकी बैक जो मतलब बैक स्पेस है, या पीछे जैसे बंदे बैठे हैं वो काफ़ी कम है अगर, तो एक तो वो हो गया इसका। सेकेंड आ गया इसका कि इसमें बॉडी रोल बढ़ जाता है। तीसरा आ गया जो उसका बॉक्सी डिज़ाइन है, आगे से फिर ये गाड़ी अच्छी लगती है, पीछे से ये गाड़ी थोड़ी ना ऐसे बॉक्सी भी लगती है। तो तीसरा वो हो गया, और चौथा इस गाड़ी में आ गया कि जैसे आप इस गाड़ी को खींच रहे हो 100+ ही आ रहे हो, 120 के बाद ये गाड़ी थोड़ा सा कंट्रोल ना मतलब छोड़ देती है अपना, थोड़ी सा आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है। तो वो चीज़ मेरे को मतलब अच्छी नहीं लगी, बम्प्स वगैरह ज़्यादा लेती है, थोड़ी हिलने मतलब बॉडी रोल ज़्यादा दिखाती है उस पर, मतलब 120 के जब आप 120 क्रॉस करते हो तब। तो ये चीज़ें ये 3-4 पॉइंट मेरे को लगे इस गाड़ी में नेगेटिव, बाकी तो ओवरऑल गाड़ी काफ़ी अच्छी है।
गाड़ी कैसे स्लिप हुआ। पावर है यार काफी दमदार पावर है। तो मतलब अगर आप बजट के हिसाब से देखो तो आपके बजट में कौन सी गाड़ी फर्स्ट ऑफ ऑल फिट होती है? मेरे हिसाब से स्कॉर्पियो जो क्लासिक है या फिर स्कॉर्पियो एन वगैरह है जी, वो उनके लुक्स और उनके जो मतलब वो फीचर्स काफी अच्छे हैं उसके, तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट है। बजट के हिसाब से आपको ये वाली बेस्ट है क्योंकि इसमें आपको लिमिट बजट में सब कुछ मिल रहा है। 11-11.5 लाख में आपको सब कुछ मिल रहा है। 7 सीटर मिल रही है। कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा लुक के बस। हाँ, और कुछ नहीं वो तो है। देखो लुक्स के लिए कोई गाड़ी आपके लिए कोई नहीं बनी, आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा। हाँ जी, करना पड़ता जी बिल्कुल। तो ठीक है मन सर, बड़ा बड़ा शुक्रिया आपका मेरे चैनल में आने के लिए। तो गाइस इनका भी एक यूट्यूब चैनल है डोगरा अमनदीप के नाम का, तो प्लीज इनको भी थोड़ा सपोर्ट करें जाके। तो ठीक है गाइस, थैंक यू।